हेलो बच्चों, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th के बाद आईआईटी जे की तैयारी कैसे करें। बच्चों, जब आप लोग बेटा 10th कर लेते हो तो 10th करने के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने 11th में कोचिंग करने के लिए जाते हैं, कोटा में, कानपुर में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और ऐसे ना जाने कितने बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। लेकिन बेटा, कई बार मैंने देखा हुआ है कि बच्चों का जो 11th है वो बिगड़ जाता है, उनका 12th बिगड़ जाता है। फिर वो क्या करते हैं, 11th में कोचिंग को छोड़ देते हैं, फिर वो अपना बोर्ड पर फोकस करते हैं। तो इस जगह क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 10th के बाद जो हमारी आईआईटी जे की तैयारी है वो कैसे करना है कि हमारा 11th अच्छे से हो, 12th अच्छे से हो, प्लस हमारा जो आईआईटी जे का एग्ज़ाम है जिसको हम देने वाले हैं वो भी अच्छे से हो। तो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, तो चलिए समझते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले एक चीज़ आपको ये समझना होगा, जब बेटा आप 10th के बाद तैयारी करने जा रहे हो आईआईटी जे की, तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि बेटा आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है, तो बेटा आप कोशिश ये करिए कि आपको ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना है जहाँ पर आपको स्कूल बेटा क्या कम जाना पड़े, आप अपने अकॉर्डिंग स्कूल जा सकते हो। या फिर बेटा दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, आप डमी स्कूल ले सकते हैं। बेटा ऐसा क्यों करना है समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, जो बेटा आपके 11th और 12th के जो बेटा फाउंडेशन बैच होते हैं उनकी नॉर्मली जो बेटा टाइमिंग रहती है वो बेटा दोपहर में लगभग 3:30 बजे से लेके रात के 8:30 तक की रहती है। मीन्स 3:30 से 8:30 तक की टाइमिंग रहती है। तो बेटा आप खुद सोच के देखिए, इवनिंग में बेटा आपका जो पूरा टाइम है वो तो बेटा आईआईटी जे की कोचिंग में चला गया। ये बेटा बात क्लियर है ना। आप खुद सोच के देखिए भाई, दोपहर में आप 3:30 बजे कोचिंग पहुंच गए और बेटा आप 8:30 बजे तक आपने क्या है कोचिंग किया। अब बेटा आपके पास जैसे आप बेटा इतना पढ़कर आओगे तो बेटा ऑब्वियसली बात है बेटा हम लोग इंसान हैं, थकावट होती है बॉडी में, तो बेटा आप आधे घंटे लगभग खाना खाने में गुजारोगे और थोड़ा बहुत इधर उधर बैठो, तो बेटा आराम से आपका आधे से एक घंटा तुरंत जाने वाला, ये श्योर है। अब बेटा आपका ये आधे से एक घंटा जाने वाला है तो मान के चलिए कि लगभग 9:30 का जो टाइम है वो बेटा हो जाएगा। और बेटा जब आपका 9:30 का बेटा टाइम हो गया तो बेटा जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, तो हम मान के चलते हैं कि आपने जो पढ़ाई अगर 9:30 बजे आप बैठ गए हो पढ़ने के लिए, तो बेटा रात में आप क्या 12:30 तक पढ़ सकते हो। फिर आपको क्या सोना होगा, लगभग आप 12:30 1 के करीब सो जाएंगे और सुबह फिर आप वही 7, 7:30 या 8 के लमसम उठेंगे, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मान के चलिए कि भाई 6 घंटे तो एटलीस्ट सोना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज बेटा हमारी जो हेल्थ इशूज़ है वो बिना होना क्या है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको हेल्थ इशू थोड़ी क्रिएट करना है, हमको तो अपनी तैयारी करना अच्छी तरीके से। एक चीज़ बेटा ये बहुत अच्छे समझ लो कि सिलेक्शन के लिए नंबर ऑफ आर मैटर नहीं करते हैं, सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है कि हमारा जो सिलेबस है वो हम अपने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लें। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो तभी पूरा होगा जब हम 12 से 14 घंटा पढ़ेंगे, तो ये आप गलत सोचते हो। मेन होता है हमारा टारगेट, कि हमको अपने टारगेट को कैसे अकम्प्लिश करना है। अगर हमारा टारगेट पूरा हो रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है आपका। और बेटा आप सोच सोच के देखिए, अगर आप मान लीजिए सुबह 7, 7:30 पर उठ रहे हो और जब आप स्कूल जा रहे हो बेटा, तो आपको पता है कि स्कूल की टाइमिंग नॉर्मली 7:30 AM से लेके 1:30 PM तक रहती है। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर आप स्कूल चले गए और 1:30 पे आपकी छुट्टी होती है, तो बेटा घर आते आते आपका 2 बज जाएगा, खाना खाओगे 2:30 बज जाएगा, और बेटा 2:30 से 3:30 का अगर हम आपसे टाइमिंग की बात करें तो बेटा लगभग 1 घंटे का समय, तो बेटा 1 घंटे में कितना पढ़ लोगे। तो इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि स्कूल ऐसे में लीजिए एडमिशन जहां बहुत कम ही जाना पड़े, या फिर आप डमी स्कूल को ले लीजिए, क्योंकि आप जब डमी स्कूल नहीं लेंगे तो समस्या आएगी। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप डमी स्कूल ले रहे हैं तो आपको अपने 11th की तैयारी खुद से करनी है या फिर आपको होम ट्यूटर लगवा के करनी है, ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, या फिर आप किसी ऐसी कोचिंग में जाइए जहाँ पर आपको क्या सुबह पढ़ाया जा सके आपके एकेडमिक के लिए।
अगर बेटा इन सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो बेटा आपका 11th अच्छा होगा, 12th अच्छा होगा, साथ में बेटा IIT JEE का पेपर अच्छा होगा। और अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी और आपका भले ही कितना भी परसेंटेज हो बेटा 10th में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बेटा तैयारी जब आप कर रहे थे उस समय आपने क्या किया वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, जब आप 10th आपने पास कर लिया है तो तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हम स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और सेकंड थिंग फिर बेटा आती है हमारा सेल्फ स्टडी। जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसको डेली रिवाइज करना है, जो क्वेश्चंस कोचिंग में करवाए जाते हैं उनको फिर से घर पर लगाना है। फॉर एग्जांपल, आपको कोचिंग में जो क्लास है आपकी वो 2 घंटे की क्लास है, अगर आपके टीचर ने आपको 2 घंटे में करवाया है तो आपको बेटा वही काम सिर्फ 1 घंटे में करना है घर आके, बिकॉज आपने क्लास में समझा था। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप क्लास में कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने क्लास में पढ़ा तो आप घर आके कर रहे हो, तो घर आके क्या हमारा सिलेबस जल्दी होना चाहिए ना। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, वो मतलब है कि भाई हमने सही से नहीं पढ़ा। इसका मतलब तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जितना जल्दी आप समझ लें उतना ही आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके करियर का पॉइंट है। आपका करियर क्या होने वाला है ये चीज़ वो डिसाइड करने वाली है। और आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि IIT का पेपर टफ होता है, ये निकाल दें बिल्कुल। क्योंकि एक चीज़ ये समझ लीजिए, सिलेक्शन उसका होगा जो पढ़ेगा। हम कहते हैं अगर आपने पढ़ाई करी है, हम मानते हैं IIT में अगर नहीं होगा तो NIT में ज़रूर होगा, अगर NIT में नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप ये सोच के तैयारी ना करें कि पेपर टफ है, जब ये सोच के ही तैयारी करने का आप सोच रहे हैं तो फिर आपने तैयारी करने का सोचा ही क्यों, इससे बढ़िया आप तैयारी ही ना करते ना। आपने तैयारी करने का सोचा, आपने फीस वगैरह डिपॉजिट करी कोचिंग में, तो बेटा आप तैयारी करिए अच्छे से, क्योंकि बेटा वो तैयारी आपको सफलता दिलाएगी। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। और एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, दो ही चीज़ें होने वाली हैं, या तो पास या तो फेल। अब अगर आप ये सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा इसलिए तैयारी नहीं करूंगा, तो फिर आप गलत सोचते हो। अब बेटा आप खुद सोच के देखो, रोज़ आप रोड पर जाते हो ना, अगर आप ये सोचो कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो क्या रोड पर नहीं जाओगे, जाते हो ना। फिर भी कहने का मतलब है कि रिस्क ज़िंदगी में आएंगे, रिस्क ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन उन रिस्क को कैसे हैंडल करना है ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने रिस्क को हैंडल करना सीख लिया तो डेफिनेटली आप अच्छा क्या है कर ले जाएंगे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे, प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे, टाइम को अपने मैनेज रखेंगे, तो आप रिजल्ट निकाल पाएंगे। और बेटा जब आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आपको पता है कि आप अगर सुबह 8 बजे उठे हुए हैं सोकर, तो आपके पास 8 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक का टाइम है, जहां आप अपनी 11th की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप अपने IIT JEE की तैयारी कर सकते हो, और वो तैयारी आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो अच्छा रिजल्ट तभी आएगा जब आप तैयारी में लगे रहेंगे, और अगर आप सिर्फ सोच के डर जाएंगे तो फिर आप क्या पीछे रह जाएंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और सारी चीज़ों को आप लोग बेटा फॉलो करोगे। और बेटा जो बच्चे फॉलो करेंगे बेटा, वो श्योर है कि बेटा उनका सिलेक्शन ज़रूर डेफिनेटली होना चाहिए। तो बेटा किसी चीज़ की 100% गारंटी तो नहीं होती है, बट मैं ये श्योरिटी कह सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो बच्चे इन चीज़ों को फॉलो करते हैं बेटा, उनको एक टॉप कॉलेज ज़रूर मिलता है। तो बेटा आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर बेटा वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और बेटा यदि आप कानपुर में कोचिंग सर्च कर रहे हैं तो बेटा आप RS इंस्टीट्यूट कानपुर को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर IIT JEE की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। अगर बेटा आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।